स्क्रीन में आपका स्वागत है। बात करेंगे आलिया भट्ट की। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म RRR को लेकर चर्चा में हैं। आलिया भट्ट अपनी अदाकारी के अलावा स्टाइलिश लुक की वजह से भी काफी चर्चा में रहती हैं। आलिया ने अपनी अदाओं का जादू हमेशा ही फैंस पर चलाया है। लोग उनके हर अंदाज के दीवाने हैं। आलिया भट्ट आए दिन अपने रिलेशनशिप और अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। आलिया कभी भी कुछ भी कहने में शर्माती नहीं है। वे हर बात पर खुलकर चर्चा करती हैं। जहां बॉलीवुड स्टार हो या आम इंसान, वे अपनी सेक्स लाइफ को लेकर बात करना पसंद नहीं करती। लेकिन इस बात से हटकर बॉलीवुड की बबली गर्ल यानी आलिया भट्ट ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई राज लोगों के साथ शेयर किए हैं। जी हाँ, आलिया भट्ट ने न सिर्फ अपनी निजी जिंदगी को लेकर छुपे हुए राज बताए, बल्कि उन्होंने अपने बेडरूम सीक्रेट्स को रिवील किए हैं। आलिया ने एक बार इंटरव्यू में अपने बेडरूम सीक्रेट्स खोल दिए थे। ये इंटरव्यू उन्होंने एक फैशन मैगजीन को दिया था, जिसके कवर पेज पर वे नजर आई थी। आलिया जब इस मैगजीन को इंटरव्यू दे रही थी तो उन्होंने काफी खुलकर अपनी बात रखी। आलिया से पूछा गया कि उनकी फेवरेट सेक्स पोजीशन कौन सी है, तो आलिया ने कहा द क्लासिक मिशनरी। यही नहीं, इसके बाद जब आलिया से पूछा गया कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड का फोन चेक करती है, तो आलिया ने कहा था मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के फोन का पासवर्ड पता है। इसके अलावा आलिया ने इस इंटरव्यू में पुरुषों को लेकर भी अपनी राय दी थी। आलिया ने कहा कि पृथ्वी पर अगर एक 50 साल का पुरुष और एक 18 साल का टीनेजर लड़का बचता है, तो वो 50 साल के पुरुष को ही चुनेंगी, क्योंकि वो उस टीनेजर के साथ नहीं रह सकती। बता दें कि आलिया रणबीर कपूर संग अपने रिलेशनशिप को लेकर अक्सर ही चर्चा में बनी रहती हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि आलिया जल्द ही रणबीर से शादी कर सकती हैं। हालांकि इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि ये कपल कई मौके पर एक साथ स्पॉट किया जाता है। खबरें हैं कि दोनों इसी साल शादी करने वाले हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया रणबीर कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगी और वे इन दिनों रॉकी और रानी की लव स्टोरी की शूटिंग में बिजी हैं। इसके अलावा गंगूबाई काठियावाड़ी डार्लिंग RRR जीले जरा में भी नजर आएंगी। आलिया ने 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सो गाइस, क्या कहना है आपको आलिया भट्ट के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।